सामग्री मिले तो वो भी मिलेगी तो पुण्य से। तो अब आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि महाराज जी आप तो मुझे ऐसी विधा बताओ, ऐसी विद्या सिखाओ, ऐसी कला सिखाओ या वो पंक्ति बताओ कि जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हाँ पुण्यवान को होता है और हम पुण्य कैसे कमाएं। आप तो वो बता दो जिससे ऐसा एक साथ एक दिन में बहुत सारा पुण्य हमारे पास इकट्ठा हो जाए और हमारी दुकान भी चलने लगे, पत्नी भी हो जाए, बच्चे भी सब बहुत अच्छा हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, हमें ना स्वर्ग जाना है ना मोक्ष जाना है। ये प्रश्न आपका, यदि मान लो आपको धर्म से ज़्यादा रुचि नहीं है तो संसार में ही अगर आपको अच्छे से जीना है तो ये बता दो, तो हम वो आपके सामने रखते हैं। ये जो हम आपके सामने कारिका रख रहे हैं, ये कारिका आज से 1400 वर्ष पुरानी है, 1400 वर्ष पुरानी भगवान जिनसेन ने लिखी। क्या है? पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजम साध्य माध्यम पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थ मन्यत पुण्यम वितानुचरणाद उपवास योगात पुण्यार्थी नाम मिति चतुष्टयम अर्जनीयम। ये गाथा 1300-1400 वर्ष पुरानी है, लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में जिनसेन स्वामी हुए, उन्होंने ये गाथा लिखी। इसका अर्थ है, हम आपसे सामान्य से पूछें तो हर व्यक्ति जानता है कि पुण्य का अर्जन कैसे किया जाता है। सामान्य से जितने भी शुभ कर्म हैं उन सब से पुण्य अर्जन होता है। जैसे माना कि बाहर एक भिखारी बैठा है, भूखा है, आपने उसको भोजन करा दिया, उसको तृप्त करा दिया, पुण्य अर्जन होगा सामान्य से। एक कोई अंधा व्यक्ति रोड सड़क पार कर रहा है, आपने उसकी लाठी हाथ को पकड़ा और उसको पार करा दी सड़क, ये भी पुण्य कर। थोक में पुण्य संचय हो तो पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पावरफुल पुण्य यदि संचय होता है तो उसके लिए जो गाथा हमने बोली उसमें पहला चरण है। उनने चार क्रम बताए, 1000 प्रकार से पुण्य का संचय होता है, उस पूरी लिस्ट में चार टॉप मोस्ट जो बोलते हैं, ऐसे चार साधन उन्होंने उस गाथा में बताए जिससे ऐसा पुण्य संचय होता है कि वो संचय पूरे ब्रह्मांड में और कहीं किसी भी पुण्य कार्य करने से नहीं होता। तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजम साध्य माध्यम आद्यम पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजनम। जिनेन्द्र भगवान का पूजन करने से जो पुण्य संचय होता है वैसा पावरफुल पुण्य का संचय पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पुण्य कार्य के करने से नहीं होता। अब आप जिनेन्द्र परिपूजम साध्य माध्यम, ये पहला हो गया। दूसरा जो सबसे पावरफुल पुण्य एकत्रित होता है तो उसका उन्होंने कहा पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थ मन्यत। सुपात्र मतलब एक दिगंबर मुद्राधारी, सब छठम सप्तम गुण स्थान में प्रवर्तन करने वाले जो सच्चे वीतराग मुनिराज हैं उनके हाथ पर अगर आपने एक ग्रास रख दिया भावपूर्वक तो वो उससे जो पुण्य संचय होगा बहुत पावरफुल होगा। तो महाराज जी बाहर जो व्यक्ति भूखा है उसको यदि हम भोजन करा दें तो उससे अनंत गुना पुण्य का संचय केवल एक ग्रास मुनिराज के हाथ में रखने में होगा। महाराज जी जैसे 1000 लोग बाहर भूखे बैठे हों, हम उन 1000 लोगों को भरपेट भोजन करा दें और उन मुनिराज को केवल एक ग्रास रख दें, 1000 लोगों को भोजन, भूखों को भरपेट भोजन कराने से जो पुण्य संचय होता है उससे अनंत गुना ज़्यादा पुण्य संचय एक दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज के हाथ पर रखा गए एक ग्रास से होता है। क्यों होता है ये हम अभी आपको बाद में बताएंगे। दो चीज़ें हो गई, भगवान की पूजन करने से पुण्य संचय होता है सबसे पावरफुल, दूसरा क्रम मुनिराज के हाथ पर रखा गया एक ग्रास, तीसरा पुण्य कैसे होता है पुण्यम वितानुचरणात उपवास योगात, व्रतों का पालन करने से पुण्य का संचय होता है तीसरे क्रम पर। जो 1000 की पुण्य संचय की लिस्ट है उसमें टॉप मोस्ट जो चार है उसमें तीसरे नंबर का क्रम है व्रतों का आचरण करने से, मतलब व्रतों का पालन करने से। तो हम लोग महाव्रती हैं, जो पुण्य संचय एक महाव्रती कर रहा है वर्तमान में, अभी हम प्रवचन करते करते भी कर्मों की निजरा तो हो रही, साथ साथ पुण्य का संचय हो रहा है। पूरे जीवन भर नीचे बैठा वाला कोई भी एक व्यक्ति पूरे जीवन भर पुण्य संचय करे तो भी उतना नहीं कर पाएगा जितना प्रति समय कर रहा है मुनिराज, क्योंकि ये महाव्रतों का पालन कर रहा है। फिर इनसे कम
जो देश व्रतों का पालन कर रहा है, फिर उनसे कम जिनके बड़े बड़े नियम हैं, फिर उनसे भी कम जिन्हें छोटा मोटा एक व्रत लिया है। जैसे आप लोगों ने वो मछली वाली सुनी होगी कि एक केवल एक पहली मछली नहीं मारूंगा, छोटे से छोटा नियम ले लिया, उससे इतना तीव्र पुण्य संचय हो गया कि दो तीन भाव में वो भगवान बन गया। कौए का मांस नहीं खाऊंगा, केवल मांस तो खाता है लेकिन केवल कौए का छोड़ दिया तो वो भगवान बन गया दो तीन भाव में। ऐसे छोटे छोटे से व्रतों से, तो व्रतों का आचरण करने से, तो क्रम लगा लो, जितना उसके व्रतों व्रतों का पालन बढ़ता जाएगा, जितने उसके नियम बढ़ते जाएंगे, वैसे 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 तीव्र पुण्य संचय होगा। और उसकी पराकाष्ठा क्या है, मुनिराज महाव्रतों का उसने उपवास करने से पुण्य संचय होता है। होता है तो बहुत सारी विधाओं से, लेकिन टॉप चार बताए ना, तो ये चौथा कारण है उपवास करने से। क्यों होता है, अब हम आपको ये बताएंगे कि इन चार से इतना जबरदस्त पुण्य संचय आखिर क्यों होता है। उपवास भी करना तो कैसे करना, उपवास करने का जो इंटेंशन हो, अभिप्राय हो, वो क्या हो, कर्म निर्जरा धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम मख्य निमित्तम, ऐसा नहीं, मतलब धर्म भोग के निमित्त से नहीं कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले, ऐसा नहीं, केवल कम मख्य निमित्तम कर्मों का क्षय हो, इस पद्धति से, इस बुद्धि से, इस सोच से, इस इंटेंशन से उपवास करना कि मेरे कर्मों का